अस्सलाम वालेकुम प्रेप क्लास। कल हम लोगों ने पेज नंबर 3 पढ़ा था, आज हम लोग पेज नंबर 4 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, वर्ड्स कम आफ्टर। वर्ड्स का मतलब क्या है, क्या कम्स आना, आफ्टर बाद में, मतलब फोर के बाद क्या आता है। तो आप लोग सब बताए फोर के बाद क्या आता है, सब बताए हम इसको। फोर के बाद 5 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 के बाद क्या आता है, 4, 5। अब 7 के बाद क्या आता है, 8। क्या आता है, 8। अब यहाँ पे क्या दिया भाई, 9। 9 के बाद क्या आता है, 10। ठीक है, 9 के बाद 10 आता है। इसी तरह आप लोगों ने जहाँ पे भी अगर आप लोगों को बोला जाए कि वर्ड्स कम आफ्टर, मतलब आफ्टर का मतलब क्या है, बाद में, मतलब नंबर्स के फोर, जैसे यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए, तो 4 के बाद क्या आता है, 5। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 5। इसी तरह फिर 7 दिया हुआ है, 7 के बाद 8 आता है, 9 के बाद 10। आप लोगों ने आफ्टर जब दिया जाता है तो आप लोगों ने उसके बाद जो नंबर आता है वो आप लोगों ने लिखना है। यहाँ पर आ जाए वर्ड्स कम बिटवीन, मतलब इनके दरमियान क्या आता है, बिटवीन का मतलब क्या है, दरमियान। तो 1 के बाद क्या आता है, सब आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2। 1 के बाद क्या आता है, 2। तो 1 और 3 के दरमियान क्या आ गया, 2। इनके बिटवीन में क्या आ गया, 2 आ गया। 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 5। 4 और 6 के दरमियान क्या आता है, 5। तो आप लोगों ने ये ख़ुद फील करना है, 7 के बाद क्या आता है, 7 और 9 के दरमियान क्या आता है, 8। तो आप लोगों ने लिखना है। अब आ जाए वर्ड्स कम बिफोर, मतलब इससे पहले क्या आता है। बिफोर का मतलब क्या है, पहले। वर्ड्स कम बिफोर, तो 2 से पहले क्या आता है, 2 से पहले क्या आता है, 1। क्या आता है, 1। तो 4 से पहले क्या आता है, वो आप लोगों ने खुद लिखना है। 5 से पहले क्या आता है, 4। तो वो आप लोगों ने मैं लिखवा, अभी ये मैं लिखवाती हूँ। और 8 से पहले जो आता है, 7 आता है, वो आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने अभी सबको समझ आ गए, बिटवीन का मतलब है दरमियान में, बिफोर का मतलब है पहले, और आफ्टर का मतलब है बाद में। तो अभी आप लोगों को ये पेज मैंने समझा दिया, इसमें से जो खाली जगह मैंने छोड़ दी वो आप लोगों ने खुद फील करनी है। आफ्टर का मतलब है बाद में, बिटवीन का मतलब है दरमियान, और बिफोर का मतलब है पहले। तो ये लेटर ये नंबर मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। ये जो यहाँ पे खाली डब्बा रह गए, 8 से पहले जो नंबर आता है वो आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अभी आप लोगों का ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 5। तो आप लोगों ने इस पेज पे क्या लिखवाया गया, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ब्लॉक एंड कलर द स्मॉलर नंबर बॉक्स। यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों ने इन नंबर्स को पहले काउंट करना है, फिर वो ये जितने भी हैं, मतलब ये जो चीज़ें दी हुई कितने हैं, ये कितने हैं, 1, 2। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखना है, 2। ये कितने हैं, 4 है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 4 देना है, 4 लिखना है। आप लोगों ने उसको पहले लिखना है इन खानों में, और फिर जो स्मॉलर बॉक्स है, नंबर जो सबसे छोटा नंबर है जो बॉक्स में लिखे हुए, उनको आप लोगों ने क्या करना है, कलर देना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने घर में करना है और फिर लेकर आना है, ठीक है। 5 नंबर पेज आप लोगों का होमवर्क है, मतलब पहले उनको काउंट कर लो और इस डब्बों में लिख लो, और डब्बों के बाद जो डब्बा जिस डब्बे में सबसे छोटा नंबर लिखा गया है उसको आप लोगों ने क्या करना है, कलर देना है, ओके। आज ये आप लोगों का होमवर्क है, ओके। अल्लाह हाफिज़।